हेलो गाइस, मैं हूं अनिल और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में जिसका नाम है एनी इन्फो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किसी भी नंबर का डिटेल कैसे जान सके। तो चलिए मैं इसके बारे में कुछ डिटेल बता देता हूं कि ये फायदेमंद है और नुकसानदायक भी है। तो होता क्या है एक्चुअली में कि जैसे कि किसी की भी कॉल आती है हमारे फोन पर तो अननोन नंबर होता है, हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं किसका कॉल होगा किसका नहीं होगा, कॉल बैक करें या नहीं करें, वो कॉल मिस हो गया पिक करनी है या नहीं करनी है, पता नहीं वो कौन होगा। तो मतलब ऐसी काफी सारी मतलब हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं कि वो अननोन नंबर को देख के कि पता नहीं किसका कॉल होगा, पता नहीं कौन होगा ये बंदा। तो अगर जो हमें उस नंबर की डिटेल जाननी हो, उस नंबर के बारे में जानना हो, तो हमें पूरी डिटेल मिल सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी, यानी कि उसका घर का एड्रेस वगैरह सब कुछ नहीं है, लेकिन उसकी मैं कह रहा हूं आपको एक प्रॉफिट वाली जो इंफॉर्मेशन है वो आपको आसानी से मिल सकती है। तो ये होते किसके हैं, ये आप देख रहे हैं ट्रू कॉलर है, तो ट्रू कॉलर ऑलमोस्ट सभी के फोन में वैसे यूज कर रहे होंगे आप, लेकिन ये वेबसाइट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा www.truecaller.com पर, तो आप वहां पर भी जाके अपना कोई सा भी जो अननोन नंबर है जिसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं वो नंबर आप उसमें एंटर करना होगा। तो जब नंबर आप एंटर करेंगे तो वहां पर डिटेल बताने से पहले आपको पहले पूछेगा कि आप अपने फेसबुक से या जीमेल के अकाउंट से लॉगिन हैं या नहीं है। अगर जो आप लॉगिन नहीं है तो आपको वहां पर जीमेल या फेसबुक के अकाउंट से लॉगिन करना होगा। तो ठीक है, लॉगिन करने के बाद में तब जैसे लॉगिन करते हैं आप, सडनली वो जो भी आपने नंबर यहां पर डाला था वो नंबर ऑटोमेटिकली वहां पर शो हो जाएगा कि ये नंबर जो है इस पर्टिकुलर बंदे के नाम से है। जैसे कि मिस्टर जो भी है अनिल कुमार ले लेता हूं, मैं अपना ही नाम ले लेता हूं, मिस्टर अनिल कुमार के नाम से है या फिर किसी लड़की के नाम से, जो भी है डिटेल दिखा देगा। और वो ये भी दिखाएगा कि ये किस सिटी से की गई है, जैसे कि एमपी से की गई है या यूपी से की गई है या दिल्ली से की गई है या महाराष्ट्र से की गई है, उत्तराखंड से एक्सेट्रा, मतलब इस तरीके की डिटेल भी दिखा देता है वो। और उसमें क्या आता है, उसमें आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगी अगर जो उस नंबर पे उस इंसान ने ईमेल आईडी अगर जो एंटर करी हुई है, तो जब लॉग इन करते हैं तो उसकी ईमेल आईडी भी आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो ये करता है कैसे काम, एंड्रॉइड में आप ये प्ले स्टोर से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टेप यहां पर दिखा देता हूं, आपको पहले प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको सर्च पर ये ट्रू कॉलर टाइप करना होगा। तो ऑलमोस्ट सभी के फोन में यूज कर रहे होंगे आप, कुछ लोग कर रहे होंगे कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आप भी ये लोग यूज करें। लेकिन इसका मैं फायदा तो अभी मैंने आपको बताया, उसकी डिटेल वगैरह मिल जाएगी, उसका जो ईमेल एड्रेस है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन जो इसका नुकसान है वो नुकसान ये है कि जब हम ट्रू कॉलर अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो करता क्या है, ट्रू कॉलर परमिशन देता है हमसे परमिशन लेता है कि आपके फोन के जो भी कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो हम अपनी जो ट्रू कॉलर का एक डाटा बेस होता है वो अपने डाटा में हमारे फोन के, सपोज करो मैंने ट्रू कॉलर में अपना नंबर एंटर किया, मैं साइन अप किया मैंने, तो क्या करता है वो मेरे फोन के सारे कॉन्टेक्ट को रीड करेगा, वो सारे कॉन्टेक्ट रीड करके वो अपने डाटाबेस में स्टोर कर लेता है। तो जो समझ रहे हो ना, जो मैं डिटेल बता रहा हूं, वो सारे कॉन्टेक्ट अपने डाटाबेस में जो है वो इंस्टॉल कर लेता है। तो जैसे कि हमारे पास में मैं किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे का नाम ले लेता हूं, जैसे कि मिस्टर करण, ठीक है, करण जैसे हमारे ग्रुप सर्कल में है जो भी है, तो उसमें होता क्या है कि उस बंदे ने एक मेरा फ्रेंड है, मतलब हम 10 फ्रेंड हैं, तो उसमें एक फ्रेंड के पास में ट्रू कॉलर है, उसने सबके नंबर सेव कर रखे हमारे, ठीक है, सबके पर्टिकुलर नाम से कर रखे हैं, वो बंदा ट्रू कॉलर को यूज करता है और हम नहीं भी करते तब भी वो हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो उसके अकॉर्डिंग जिस भी पर्सन ने वो ट्रू कॉलर यूज कर रहा हो उसने जिस भी नाम से हमारे फोन नंबर जो एड कर रखा है वो डेटाबेस सारा उठा के ट्रू कॉलर के डेटाबेस में कर देगा। तो होता यह है कि जब आप अपनी वेबसाइट से या फिर आप न्यू यूजर हैं, साइन अप किया आपने, तो होता यह है कि जब आपको नया नंबर मिलता है, जैसे कि मैं किसी भी अननोन पर्सन को मैं कॉल करूंगा जो ट्रू कॉलर यूज कर रहा है, तो उसके पास में जो मेरा नाम वो शो करेगा जो मेरे फ्रेंड ने मेरा नंबर सेव कर रखा है मेरे नाम से, तो वो नाम वहां पर शो करेगा। तो डाटा जो उठाता है वो यहां से उठाता है। तो ये अनसिक्योर भी है क्योंकि आप सोचते हैं कि हमें कुछ परसेंट जो डाटा है, कुछ हमें कॉन्टेक्ट नंबर ऐसे हैं जो हमारे पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है और हम नहीं चाहते वो किसी और के साथ शेयर हो,
तो उसमें थोड़ा सा ये मतलब मैं ये कहूंगा, फायदे तो देखो होते हैं किसी भी चीज के, नुकसान भी होते हैं। जैसे व्हीकल के आप जानती हो, तो फायदे तो होते हैं और नुकसान भी होते हैं। मतलब पॉल्यूशन हो रहा है लेकिन टाइम से हम पहुंच रहे हैं, तो इस तरीके के, तो किसी चीज के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, तो उसमें वो चीज भी है। लेकिन मैं ये कह रहूंगा कि अब ये 50% से भी ज्यादा, मैं कहूँ 90% आपके लिए फायदेमंद होगा। और उसमें दूसरी चीज क्या होती है, जैसे भी आप किसी भी अदर कंपनी की कॉल आती है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी हुई, मतलब जो कंपनी परेशान करती है कि जी लोन ले लो, इंश्योरेंस है, इस तरीके की कंपनी जो हमें परेशान करती है, तो आप किसी भी नंबर को, मतलब बार बार कॉल कर रहा है आपको, आप स्पैम में डाल सकते हैं, वो कॉल ऑटोमेटिकली आपकी ब्लॉक हो जाती है। जैसे कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी, या फिर मतलब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ रहे हैं, तो मतलब अनवांटेड जो कॉल आती है आपके पास में, जो नहीं आनी चाहिए कंपनी के थ्रू जो कॉल आती है, तो वो जो ट्रू कॉलर है अगर जो आपके फोन में पड़ा हुआ है, तो सडनली मतलब कंपनी वाले से कॉल आई, मतलब अननोन नंबर जो भी है हमारा, जो है किसी, मतलब जो हम नहीं चाहते कॉल की जी रिंगटोन बना लो अपने इसकी, और इस तरीके की जो कॉल आती है जिसे हम बोल सकते हैं थोड़ा फेक कॉल भी आती है, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रू कॉलर क्या करता है, वो उस कॉल को सडनली स्पैम में डाल देता है और आपको परेशान नहीं होने देता। तो ये फायदे इसके हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर जो ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो क्योंकि ये भी फ्री है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि मैं ऐसी कुछ वीडियोस और भी लेकर आते रहता हूँ, जो टिप्स एंड ट्रिक्स की और भी इंफॉर्मेशन वाली जो वीडियोस हैं वो वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लाल बटन होगा इस वीडियो के जस्ट नीचे, जिसपे लिखा होगा सब्सक्राइब, उस लाल बटन पे आप क्लिक करें तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।